हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप ये जो मैंने छोटा सा एक वीडियो बनाया पिछले साल जो 2019 में मैंने जो भी ट्रैवल किया था उसका एक छोटा सा मॉन्टेज बनाया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। मैं ये वीडियो काफ़ी पहले बनाने वाला था, काफ़ी लेट हो गया। मैं सोचा था कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी को मैं ये वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड करूँगा, लेकिन नहीं हो पाया बिकॉज आई वॉज लिटिल बिजी विथ माई वर्क। लेकिन नेवरदलेस हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइज एंड आई होप आपका 2020 बहुत अच्छा जाए। मैं विश करता हूँ कि ये साल आप लोगों का बहुत अच्छा जाए। जो भी आप लोगों का प्लान्स है, जो भी आप लोगों का ड्रीम्स है, जो भी आप लोगों का ट्रैवल प्लान्स है, सब फुलफिल हो, क्योंकि मेरा भी प्लान्स कुछ ऐसा ही है। मैं लास्ट ईयर 2019 में बहुत कुछ ट्रैवल करने का प्लान किया था, लेकिन नहीं हो पाया बिकॉज मेरा जो जॉब है बहुत हैक्टिक है। आई वर्क इन अ विजुअल इफेक्ट्स कंपनी हु डज वर्क फॉर हॉलीवुड फिल्म्स। आई वर्क फॉर 12 to 14 आवर्स एवरी डे। सो आप समझ सकते हो कि जो 12 घंटा 14 घंटा काम करने के बाद मेरे पास इतना एनर्जी नहीं रहता है, इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं रोज एक वीडियो बनाऊं या फिर यूट्यूब में या इंस्टाग्राम में फोटोज और वीडियोज डालते रहूं। फिर भी मैं मैनेज करते रहता हूं, थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम में फोटोज डालते रहता हूं, यूट्यूब में उतना ज़्यादा मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूं। ये मेरा पैशन है और ये मैं ग्रो करना चाहता हूं, यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों। सो ये साल मैं कोशिश करूंगा कि मैं ट्रैवल करूं और जो भी वीडियोस मेरा लास्ट ईयर का था, काफ़ी सारे वीडियोस मैंने लास्ट ईयर का लेके रखे हैं, सब पाइल अप होके बैठे हैं अभी हार्ड ड्राइव में, सब एक एक करके वीडियोस आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब मी। अभी नेक्स्ट मेघालय सीरीज आने वाला है, उसके बाद दुबई सीरीज एंड देन द ग्रेट केरला सीरीज। एंड सब्सक्राइब मी एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब बिकॉज ये मुझे मोटिवेशन देगा कि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज डालूँ। और विश है मेरा, जो ये ड्रीम है एक यूट्यूब और इंस्टाग्राम ऑडियंस बनाने का, वो फुलफिल हो सके। मेरा एक साल से ज़्यादा हो गया जब मैं यूट्यूब अकाउंट खोला था, तब से लेके अब तक मेरा सिर्फ 450 सब्सक्राइबर्स ही है, विच इज़ वेरी लेस, आई नो, आई एग्री। लेकिन मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो काफ़ी ग्रो कर चुका है, कुछ अभी 6200 फॉलोअर्स के आसपास है। दिस ईयर द माई गोल इज़ टू रीच 25,000 सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स इन बोथ इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। इंस्टाग्राम में मैं शायद से कर पाऊँगा, लेकिन यूट्यूब में थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज अभी भी मेरा सब्सक्राइबर काउंट बहुत लो है और जो मेरा ग्रोथ ट्रेंडिंग है वो अभी भी स्लो है। इंस्टाग्राम में मैं शायद कर पाऊँगा 25,000, लेकिन दैट्स माई गोल। लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट आफ्टर वन ईयर एट द एंड ऑफ 2020 में मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। मैंने मेरा जो प्यारा, सबसे प्यारा बाइक था हार्ली डेविडसन, उसको मैंने बेच दिया। बेच के मैंने एक रॉयल एनफील्ड हिमालयन लिया। यस, यू हर्ड इट राइट, आई सोल्ड माई हार्ली एंड आई बॉट अ हिमालयन। उसके बारे में एक बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। हिमालय को लेके ट्रैवल करने का बहुत प्लान्स है मेरा। मैंने GoPro मोटो व्लॉगिंग किट बना के पूरा हेलमेट में डाल के रखा है। तो ये साल मैं कुछ मोटो व्लॉग्स भी करने वाला हूँ। मेरा वीडियो थोड़ा क्रिएटिव मोटो व्लॉगिंग स्टाइल विद सिनेमैटिक वीडियोस भी रहने वाला है। इस साल मैंने एक छोटा सा यूट्यूब सेटअप भी बनाया, मेरे रूम को थोड़ा सजाया। ये सेकंड बेडरूम हुआ करता था, लेकिन मैंने ये सामान निकाल दिया थोड़ा सा, तो मैं क्लियर करके अभी मैं उसको YouTube/ वर्क रूम के हिसाब से मैं यूज़ करता हूँ। मेरा दाढ़ी भी सब सफ़ेद हो गया एक साल में। बैंगलोर का जो पानी है बहुत ही ख़राब है और मुझे सूट नहीं हो रहा है। मैंने बैंगलोर में कुछ 2 साल पहले मूव किया था, उसके पहले सब ठीक था। मैं कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर नहीं हूँ, तो इसीलिए मुझे एक साल में बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं सब वीडियोस देख के यूट्यूब में या फिर दूसरे लोगों को फॉलो करके मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं अभी भी डेवलप कर रहा हूँ मेरे स्किल्स को। एक साल पहले मैं जो फोटोज़ और वीडियोस लेता था उसके कंपैरिजन में मैं खुद भी बोल सकता हूँ कि मैंने बहुत कुछ इम्प्रूव किया है, लेकिन मैं और भी ग्रो करना चाहता हूँ, और भी इम्प्रूव करना चाहता हूँ। सो दैट इज़ ऑल गाइस। सो वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप कि 2020 सबका बहुत अच्छा रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। सी यू।